हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार साउंड ट्वेंटी फोर फ्रेंड्स आज मैं आपको ये सियाज के एंड्रॉयड प्लेयर का डेमो देने वाला हूं जो कि नाइन इंच फुल टच स्क्रीन प्लेयर है सियाज में लगने वाला प्लेयर है ये इसकी आप क्वालिटी दे सकते हैं फुल एच वीडियो क्वालिटी है तो इस्टार्ट करते हैं ये इसकी होम स्क्रीन है होम स्क्रीन में आपको यूट्यूब क्रोम मैप आपको दिया हुआ है आप इसमें वीडियो प्लेयर भी चला सकते हैं यूट्यूब ऑलरेडी इसमें आपका आइकन इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको यूट्यूब भी चला के दिखा रहा हूँ भाई यूट्यूब चलाने के लिए सबसे पहले आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं दिया है इस वजह से ये डिनाइड कर रहा है जैसे ही आप इंटरनेट आपके हॉट इस्पॉट से कनेक्ट करेंगे मोबाइल के हॉट इस्पॉट या वाईफाई डोंगल से तो ये इंटरनेट आप इसको यूट्यूब भी चला पाएंगे इसमें फंक्शन जो मिलने वाला है वो ब्लूटूथ एफ एम यू एस वी ऑक्स रेयर व्यू कैमरा सपोर्ट करेगा मिरर मिरर लिंक फंक्शन आएगा मिरर लिंक सीधा आपकी फ़ोन कास्टिंग हो जाएगी फ़ोन की स्क्रीन कास्ट हो जाएगी आपके डिस्प्ले ये प्लेयर के डिस्प्ले अभी तो आई पी एस डिस्प्ले आएगा गोरिल्ला ग्लास है स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल सपोर्ट करने वाला है दोस्तों इसका कन्फिगेशन है टू प्लस सिक्सटीन जी बी मेमोरी आपका मिलने वाली है इसमें साउंड सेटिंग में आपको इक्वलाइज़र प्लस माइनस आप कर सकते हैं फैक्ट्री सेटिंग ये आपके काम की चीज़ अभी फ़िलहाल तो नहीं है एंड्रॉयड सेटिंग में आप देख सकते हैं सारी कन दी हुई है आपकी कितना स्पेस यूज कर हैं कितना स्पेस बचा हुआ है एंड इसकी कन्फिगरेशन क्या है एवरी कै एवरी थिंग एवरी थिंग यू कैन सी और आपका क्या क्या इसमें इनबिल्ट है तो वो आप इसमें सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वॉल्यूम सेटिंग हो गया बाकी आप इसमें स्टेयरिंग लर्न का मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेयरिंग लर्न आप जो बता रहे थे स्टेयरिंग पे अगर बटन होंगे तो स्टेरिंग कंट्रोल सपोर्ट ये करने वाला है प्लेयर और आगे चलते हैं लोगो सेटिंग आप इसमें किसी भी गाड़ी का लोगो सेट कर सकते हैं सारी गाड़ियों की वर्ल्ड वाइज गाड़ियों के लोगो इसमें दिए हुए हैं आप अपनी गाड़ी के हिसाब से इसमें लोगो सेट कर सकते हैं चूज करके और लोगो सेट कर सकते हैं और अदर सेटिंग में जो कि आप देख पा रहे हैं रिकॉर्डर भी है इसमें फ़ोन लिंकिंग फ़ोन लिंकिंग ये आपका एंड्रॉयड एंड आईफोन दोनों से होने वाला है और ये वाईफाई से भी मतलब वायरलेस भी और वायरलेस विदाउट के साथ होने वाला है अगर वायर के साथ करना चाहें तो उससे भी हो जाएगा फ़ोन लिंकिंग दोनों से ही हो जाएगा मैप जीपीएस नेविगेशन भी चला सकते हैं आप जैसा भी आप देख पा रहे हैं अभी इंटरनेट से कनेक्ट ना होने की वजह से इस तरीके से आप दे रहे दे, देख पा रहे हैं जैसे इंटरनेट कनेक्ट करेंगे आपका ये प्रॉपरली वर्क करने लगेगा जीपीएस नेविगेशन इसमें डेट्स तो मिलने वाला है अब मैं आप किसी क्लियरिटी की बात कर दूँ इसमें आई डिस्प्ले है आई डिस्प्ले आप किसी भी साइड से देखेंगे इसमें आपको अच्छा ही दिखने वाला है अब आप देख सकते हैं मैं आपको थोड़ा सा क्वालिटी चेक करा दूं वीडियो की आई थिंक ये वीडियो ओके okay. इंटरनेट से कनेक्ट ना होने के कारण मैं इसमें आपको बट एच वीडियो क्वालिटी मिलने वाली है हंड्रेड परसेंट भी श्योर फुल एच वीडियो क्वालिटी मिलेगी ही मिलेगी तो फ्रेंड्स होम स्क्रीन के साथ साथ दूसरा चीज़ क्या है आप इसमें स्टरिंग कंट्रोल सपोर्ट हंड्रेड मिलेगा गूगल प्ले है जिससे कि कोई भी आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और फ्रेंड्स गूगल प्ले से आप अपने मन के हिसाब से जैसा आप चाहें वो आप अपना इंस्टॉल कर सकते हैं आप कोई भी ऐप दोस्तों इसका बैक साइड का मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ये बैक साइड का है सारी वायर वगैरह कनेक्ट हो रखी है मैंने तो अभी एसी डीसी कन्वर्टर से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है बट गाड़ी में लगने के बाद प्रॉपर वायरिंग होने वाली है कपलर टू कपलर फिटिंग है कोई वायर कट नहीं होगा इसमें तो दोस्तों अभी तक आप देख रहे हैं अभी तक अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें लाइक ज़रूर करें कमेंट ज़रूर करें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचने वाला है थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वाचिंग माय वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन दबाना ना भूलें थैंक यू वेरी मच